नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरा मेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इसका CPNET का फॉर्म कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ कि CPNET का फॉर्म कब आएगा और इस बार आएगा या नहीं आएगा, इस साल होगा या नहीं होगा। तो सारी जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे व्यूअर के, इस वीडियो में सबके क्लियर करने वाला हूं। तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये अगस्त के फर्स्ट वीक में निकल जाने चाहिए, जो कि अब की जबकि इस बार COVID-19 की वजह से बहुत डिले होते जा रहा है। अब तक इसके एडमिशन स्टार्ट होने चाहिए थी, जबकि अभी तक इसका एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी उन्हें बता दूं, ये अब सितंबर के लास्ट वीक में इसके फॉर्म आने की पूरी संभावना है, इसीलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ज़रा सा भी बीच में ब्रेक ना करें, क्योंकि ब्रेक करने से आपके एग्ज़ाम में बहुत नुकसान हो सकता है। कई सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर इसका इस साल जो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, क्योंकि COVID-19 चल रहा है तो इस साल अभी एंट्रेंस नहीं हो सकता। तो मैं उन्हें बता दूँ, इस साल एंट्रेंस ऑफलाइन जैसे होता है वैसे ही उसी मोड पर होगा, कोई ऑनलाइन नहीं होगा, पर इससे वो जो परीक्षा होगी बहुत प्रिकॉशन के साथ में कराई जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और इसका फॉर्म जो है मैंने आपको बता दिया है, लगभग आपका सितंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए काफ़ी पूछते हैं क्योरी क्या रहती है, कि इसके फॉर्म आएंगे तो हम कब इसका डालेंगे। तो इस फॉर्म की ज़्यादा चर्चा क्यों रहती है वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ, कि इस CPNET के थ्रू बहुत सारे वेरियस डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज कराए जाते हैं, जो कि अदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में इतने सारे डिप्लोमा या डिग्री कोर्स एक साथ नहीं कराए जाते एडमिशन। इसीलिए सभी बच्चों की पसंद ये रहती है कि CPNET, एक और होता है उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी UPU स्टेट मेडिकल फैकल्टी से होता है, उसमें भी इससे भी ज़्यादा सीटें होती हैं, जिसमें उसमें बच्चे काफ़ी उसका वेट करते हैं, उसमें भी फॉर्म डालने की दिलचस्पी बनी रहती है। और दूसरे पे CPNET आता है, इसकी भी काफ़ी दिलचस्पी बनी रहती है, इसलिए इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उत्तर प्रदेश मेडिकल स्टेट जो होता है UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, उसका मेरिट बेस सिलेक्शन किया जाता है, हाई स्कूल और टेंथ की मेरिट बेस पर उनका कट ऑफ निकाल के उसका एडमिशन लिया जाता है। तो आपको मैं बता दूँ, चलो एक बार हमें इसमें CPNET की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके देखते हैं, क्या उसमें कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं CPNET की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दे रखा है, इसमें कोई भी न्यू नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन के थ्रू नहीं आया है। अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन ऐड होता है तो आपको इस कॉर्नर पर विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एडमिशन 2020, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे लिंक आएगा नया, वो आपको ब्लर करता हुआ दिखाएगा रेडर। तो वहाँ पे आपको क्लिक करके वहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है। तो आपको मैं बता दूँ कि मैं बोल रहा था कि CPNET के थ्रू काफ़ी दिलचस्पी बनी रहती है, कि इसके फॉर्म आएंगे तो हम भरेंगे, इसकी तैयारी अभी से करें, इस फॉर्म क्वेश्चन डालने। फ्रेंड्स, मैं भी बता दूँ, इसकी जो एंट्रेंस जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट आती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, जिनके पास मैथ है तो उनके लिए मैथ का पोर्शन पूछा जाता है। तो मैं इसी पैरामेडिकल क्रैकर के चैनल पर क्वेश्चन आज मैंने केमिस्ट्री के अपलोड किए हैं, और हर रोज़ मैं डेली वाइज MCQ अपलोड कर रहा हूं। तो वहां से आप इस क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं कि इसका पैटर्न कैसा आता है, वहां पे मैं क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन ऑलरेडी कल 3 वीडियो बना चुका हूं, उसमें आपको वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा डेली वाइज, तो वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, इसमें जो कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज एंड सीटें देखनी होती हैं तो इसमें आपको कोर्सेज जो कराए जाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसमें बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि आपका आ जाता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन आ जाता है, 40 सीटें हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, इन सब में 30, 20 आपको सामने दे रखा है सारी सीटें हैं। मैं केवल डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, सारे इतने अच्छे अच्छे डिप्लोमा हैं, आप CPNET के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपको तभी इसका सिलेक्शन होगा। तो CT स्कैन हो गया आपका, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन हुआ, MRI टेक्नीशियन हो गया, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर हो गया,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड टेक्नीशियन हो गया, और आपका ANM भी हो गया, GNM हो गया, ये सारे आपके इसमें डिप्लोमा कोर्सेज के थ्रू इसमें आते हैं। अगर और भी इसमें कोर्सेज कराए जाते हैं जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स सीट, इस पर आपको क्लिक करना होगा, इसमें आपको 4 साल के डिग्री कोर्स दिखाए जाएंगे, जो कि आपको पहला कोर्सेज जो है तो आ जाएगा बैचलर ऑफ साइंस लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये आपका 3 साल 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें 60 सीटें हैं, और आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4 साल का कोर्स है, 4 साल 6 महीने का कोर्स है, और आपका आ जाएगा फिर इमेजिंग बैचलरी रेडियोलॉजिकल टेक्निक आ जाएगा, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री आ जाएगा, एक इसमें कोर्स होता है लास्ट ईयर जो कि था उसमें बी फार्मा की 60 सीटें उसमें और ऐड कर दी जाती हैं, तो आपको ऐसे करके 240 और 60 लगभग 300 सीट इसकी डिग्री कोर्सेज की हो जाती हैं, और BSc नर्सिंग इसमें 60 सीटें हैं, टोटल 360 सीटें इसकी डिग्री कोर्सेज की हैं, तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डिप्लोमा हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या करें, इस फॉर्म जो निकलेंगे उससे पहले आप पूरी तैयारी कर रखें। मैं सारे क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की ज़्यादा संभावनाएँ, मैं वो क्वेश्चन इसमें आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि CPNET के फॉर्म जल्द आने वाले हैं, और जैसे इसके फॉर्म की कोई नोटिफिकेशन आती है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊँगा, वीडियो आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।